मोबाइल में समस्या होती है फ्लैश फिल की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, इन सब में दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मोबाइल में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियोस मैं बना रहा हूं। तो देखिए, यहां पर अभी आपको दिखाई पड़ा होगा कि यहां पर लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल में इस जो एरिया है, जो टाइटल एरिया है, इसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से इसे सिलेक्शन में ले लेना है, ठीक है। और यहां पर आपको फिल कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी कलर आप चूज करेंगे उसी कलर का ये टाइटल हो जाएगा। तो सपोज कीजिए, अगर ये ब्लैक कलर का अगर मैं इस टाइटल को कर देता हूं, तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि टाइटल तो ब्लैक कलर का हो गया लेकिन टेक्स्ट का कलर अभी ब्लैक ही है, तो टेक्स्ट का कलर जो है कैसे चेंज होगा। तो टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करने के लिए हमें जाना है फॉन्ट कलर पर। तो यहां पर देखिए, नीचे फॉन्ट कलर आपको दिख रहा होगा, फॉन्ट कलर पे चले जाइए और यहां पर जाकर के इसे व्हाइट बना दीजिए। जैसे ही व्हाइट बनाएंगे तो ये दिखने लगेगा, अब आप टोटल भी कर पाएंगे। तो यहां पर टोटल करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है, दो बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहां पर लगा लीजिएगा इक्वल्स टू, ठीक है। एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके देन इक्वल्स टू लगाइएगा, और इक्वल्स टू लगाने के बाद यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और सेल एड्रेस हमारा प्राइस का क्या है, यहां पे 550 जो लिखा हुआ है, इसका सेल एड्रेस क्या है, तो इसका सेल एड्रेस है B2। तो B2 यहां पर हमें लिख लेना है, इस तरीके से B2 लिखा हमने, और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई करना है यूनिट, यानी C2। तो यहां पर आप C2 कर लीजिएगा, और C2 करके हिट एंटर, यू कैन सी द रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। तो यहां पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसे फ्लैश फिल करना है। तो फ्लैश फिल में ही दिक्कत आती है आपको, ठीक है। तो फ्लैश फिल अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो यह देखिए फिल जो ऑप्शन आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो फिल ऑप्शन आएगा, तो फिल पे चले जाइएगा और इसको ड्रैग करवा लीजिएगा, तो आप फ्लैश फिल भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।